गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि बात पूरी तरह समझ में आए। तो याद रखो, जब भी कोई हदीस आया करे ना किसी के बारे में, तो उसमें उस दौर के जोग्राफिया के लिहाज से बात की जाती है। ये जो गजवाए हिंद है, हिंदुस्तान का जिहाद है, इसके बारे में आजकल बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तोड़ मरोड़ के, कुछ खींचतान के अहादीस को चस्पा किया जाता है। जो इम्कानी चीज़ होती है उसको इम्कान के दर्जे में बयान करना चाहिए, उसको ऐसा पेशगोई कि गोया लगे कि जी ऐसा होने वाला है, फिर जब नहीं होता तो लोगों का ईमान दाव पे लगता है। अहादीस में जितनी पेशगोईयां हुई हैं मुस्तकबिल के हवाले से, उनमें अक्सर पेशगोईयां बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आप डेट डिफाइन कर सकें, मुबहम रखा गया है उनको, बस बताया गया कि ऐसा होगा, कब होगा ये हमें पता नहीं है। और कुछ पेशगोईयां तो ऐसी हैं कि जो एक दफा पूरी हो चुकी हैं, अब दोबारा भी वही पेशगोई होगी कि नहीं होगी ये यकीनी तौर पर हम नहीं कह सकते। जैसे हिंदुस्तान का जिहाद, उसके बारे में फजीलत वारिद हुई है कि इसाबतानि मिन उम्मती अहरजहुमल्लाहु मिनन नार, मेरी उम्मत की दो जमातें ऐसी हैं जिनको अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा। इसाबतुन तगज़ुल हिंदा, एक वो लश्कर जो हिंदुस्तान पे हमला करेगा, वह इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम, और एक वो लश्कर जो हजरत ईसा के साथ मिलकर लड़ाई करेगा। अब हिंदुस्तान का जो जिहाद था उसमें जब हमला हुआ जिन लोगों ने हिंदुस्तान पर, वो इस फजीलत के यकीनी अहल हैं। अब दोबारा हमला हो या होगा, ये लोग इस हदीस में दाखिल होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में हदीस खामोश है। तो अब इसमें इज्तिहादी राय है, कुछ की राय हो सकती है कि होंगे, कुछ की राय हो सकती है कि नहीं होंगे, क्योंकि एक दफा जो असल पेशगोई थी वो पूरी, बोलो भाई, हो चुकी। जैसे हदीस में आता है लतफ्तहुन्ना अल-कुस्तुंतीनिया वलनिअमल अमीरु अमीरुहा वलनिअमल जैशु जैशुहा, कि तुम जरूर बिस जरूर कुस्तुंतीनिया इस्तंबोल पे हमला करोगे और उसको फतेह करोगे, और उस वक्त का सबसे बेहतरीन अमीर वो होगा जो कुस्तुंतीनिया पे हमला करेगा, और वो लश्कर सबसे बेहतरीन लश्कर होगा जो इस्तंबोल पे हमला, इस्तंबोल का दूसरा नाम कुस्तुंतीनिया है, उस पर हमला करेगा। ये फजीलत सुल्तान मोहम्मद फातेह ले गया, हटो बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया, ये फजीलत किसके हिस्से में आई? सुल्तान मोहम्मद फातेह के, क्योंकि इस्तंबोल को फतह करना आसान काम नहीं था। हमने तो लाइव कवरेज की थी ना वहां से, हजार साल से वहां ईसाइयों की खिलाफत कायम थी, सहाबा गए, ताबीन गए, तब ताबीन गए, कोई भी फतह नहीं कि, तभी मुश्किल काम था, तभी तो नबी ने फजीलत दी। और उसकी लोकेशन ऐसी थी जोग्राफियाई लिहाज से कि यूरोप और एशिया के दरमियान, तो इतनी बड़ी दीवार को फतह करना और पानी पे, खुश्की पे कश्तियां चलाना, तो ये फजीलत किसने हासिल कर ली? सुल्तान मोहम्मद फातेह ने। अब अगर दोबारा इस्तंबोल पे जरूरत हुई जिहाद करने की, तो फिर ये फजीलत उस दूसरे कमांडर के हक में यकीनी, बोलो भाई, नहीं है, क्योंकि अब वो बात थोड़ी होगी, फिर उसको हम वैसे ही कहेंगे कि भाई जिहाद की अलल इतलाक फजीलत है कहीं भी हो। दूसरा, इस बेस पर बिला वजह इस्तंबोल पे हमला कोई करे, ये हो रहा है आजकल, मैं आपको बता रहा हूं। अहादीस को जिसने जो करना होता है ना, उसको अपने मतलब की हदीस मिल जाती है। अब अगर इस हदीस को बुनियाद बनाए, कोई जमात बन जाए, कोई तंजीम लड़कों को जमा करे, आओ तुर्की पे हमला करते हैं, क्योंकि तुर्की में बेहयाई बहुत है, लोग कहें भाई तैयब उर्दुगान कोशिश तो कर रहा है, कह रहे ये कोशिश ये सियासत की कोशिश है, ये अच्छी कोशिश नहीं है, सियासत से कुछ नहीं होता, असल तो जिहाद से होता है, और लोगों को जमा करके अच्छा भला तुर्की की वाट लगा दे, ठीक है ना, और जब दलील पूछी जाए तो दलील दे, नबी ने फरमाया सबसे बेहतर जिहाद और अमीर कौन सा है जो इस्तंबोल पे हमला करे,
تو بتاؤ اس کا اس موقع کے لیے اس حدیث کا استعمال صحیح ہوگا؟ آواز گونج تو نہیں رہی، صحیح ہوگا نہیں ہوگا؟ ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں گے، بھائی اس لڑائی کا فائدہ ہے یا نقصان؟ چند اسلامی ملک رہ گئے ہیں گنے چنے جن میں تھوڑی سی پاور ہے، آپ نے انہی کے خلاف لڑائی شروع کر دی اسلام کا نام لے کر، اسباب کی دنیا میں آپ کے لیے فتح کی امید نہیں ہے، تو اس سے بھی جائیں گے؟ اب وہ کہے نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر لشکر، تو بھائی وہ سلطان محمد فاتح یہ فضیلت حاصل کر چکا ہے، اب آپ کو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں ہے۔ تو اسی طرح غزوہ ہند کے بارے میں یا اور جس طرح کی روایتیں، ان میں یقینی طور پر تو وہ مجاہدین فضیلت حاصل کر چکے ہیں جنہوں نے ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اب دوبارہ اس حدیث کا مصداق وہ لڑائیاں ہیں یا نہیں ہیں، ان سے احادیث خاموش ہیں، تو اس میں یقینی طور پر اس فضیلت میں داخل کرنا یہ محل نظر ہے، اس پر اشکال ہے۔